नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों अभी आप सभी के साथ बात करूंगा वेदांता के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले स्टॉक के प्राइस के बारे में देख लेते हैं। तो फ्राइडे के सेशन में ये स्टॉक अराउंड 276.75 रुपीज के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। अगर इसके रिजल्ट्स की बात करें तो 26 अप्रैल को कंपनी अपनी अर्निंग्स पेश करने वाली है, जिसका आप सभी को बेसब्री से वेट होगा और काफी सारे लोग डिविडेंड का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कंपनी कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी ने अभी रिसेंटली डिविडेंड दिया है और कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में कुछ डिविडेंड को लेकर नहीं बोला है, केवल रिजल्ट्स आने वाले हैं, ये आपके साथ मैंने क्लियर कर दिया है। स्टॉक का चार्ट पैटर्न अगर हम देखेंगे तो स्टॉक एक रेंज में फंसा हुआ है। टॉप बैंड 285 टू 87 का है और लोअर जो रेंज है स्टॉक की वो 265 टू 270 की है। इसी रेंज में स्टॉक पिछले कुछ दिनों से ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट एग्जैक्ट डेट बताऊं तो 28 फेब को स्टॉक ने इस रेंज का लोअर बॉटम टेस्ट करा था, उसके बाद इसी रेंज में फंस गया है। इस रेंज में स्टॉक इतने दिनों से है, मेटल स्टॉक्स कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं, बट ये स्टॉक कुछ करने को तैयार नहीं है। एग्जैक्ट डेट ट्रेड कर गया, डिविडेंड निकल गया, स्टॉक के लिए अच्छी खबरें आ गई, पॉजिटिव आ गई, नेगेटिव आ गई, बट स्टॉक इस रेंज के बाहर नहीं गया है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं कुछ ऐसी चीजें जो इस कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके शेयर होल्डर्स के लिए उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, डेट को लेकर कंसर्न्स जताए जा रहे हैं। इस कंपनी में एक रिपोर्ट आई थी लगभग 2-3 हफ्ते पहले, जहां पे कंपनी के ऊपर ब्लूमबर्ग ने एक आर्टिकल निकाला जहां उन्होंने कहा कि वेदांता को लेकर डेट की चिंताएं हैं। वेदांता ने जो शेयर्स प्लेज करें, जो लोन वगैरह ले रखे हैं, उसकी मैच्योरिटी इज नियर है और वेदांता इज नॉट इन कंफर्टेबल पोजीशन। उसके बाद स्टॉक इंट्राडे में 4-5% क्रैश हो गया ऑन मार्केट, यानी मार्केट आवर्स में ही। उसी पे सेम डे कंपनी की तरफ से कमेंट्री आती है कि ये रूमर है, इस पे ट्रस्ट नहीं करना है, हम लोग एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में अपनी मैच्योरिटीज को क्लेम करने के लिए। डेट को लेकर उन्होंने क्लियर संकेत दे दिए और वो पॉजिटिव थे, जिसके बाद वो स्टॉक केवल रिबाउंड ही नहीं हुआ बल्कि ऊपर भी गया। फिर दोबारा से वेदांता का टॉप मैनेजमेंट आके कमेंट्री करता है कि हम अपनी अप्रैल मंथ की जो मैच्योरिटीज हैं उन्हें पे करने के लिए एकदम कंफर्टेबल पोजीशन में है, हमारे पास नेट कैश अच्छा खासा है और हमने कुछ एडवांसेस भी पे करे। उन्होंने एक अमाउंट भी दिया था जो मैंने आपके साथ उसी समय वीडियो शेयर करी थी। आप ये भी सोच सकते हो भाई मैं पुरानी बात की बता रहा हूं, तो 2 हफ्ते पहले की और इसी से रिलेटेड अभी कल के सेशन में भी कुछ खबरें आई है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले आपको पूरा बैक बता देता हूं। तो कंपनी ने कहा हम कंफर्टेबल है और कोई इशू नहीं है, एंड ये भी कहा कि हमने कुछ एडवांस में भी पे कर दिया है एंड हम शुरू से ही इस तरीके के लोन्स लेते आते हैं, अपने शेयर्स को प्लेज करते हैं फिर उन्हें छुड़ाते रहते हैं, ये हम शुरू से करते हैं, ठीक है, ये हमारा एक पार्ट है गेम का। उसके बाद स्टॉक नॉर्मल ट्रेड कर रहा था। फिर रिपोर्ट आती है एक कि इनकी जो लंदन बेस्ड सब्सिडरी कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, उसकी मैच्योरिटीज आ रही है और वो अपनी मैच्योरिटीज पे करता है तो उसके पास नेट कैश बिल्कुल नहीं रहेगा, जिससे डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा वेदांता के शेयर के डिविडेंड पे। कंपनी जो डिविडेंड देती है अपने कैश में से देती है और 65% तो उनके पास हिंदुस्तान सिंह से डिविडेंड आता है, तो इन दोनों में ही प्रॉब्लम आ सकती है। अब उन्होंने क्या कहा था वो समझिए। देखिए, जो वेदांता कंपनी है वो अपने पास से डिविडेंड बहुत कम देती है, वो डिविडेंड जो देती है वो मैक्सिमम जो उनके पास हिंदुस्तान जिंक से डिविडेंड आता है वही देता है। आप कभी भी नोटिस करना, अगर हिंदुस्तान जिंक ने जैसे ही डिविडेंड पेश करा उसके 10 दिन के अंदर अंदर ही वेदांता डिविडेंड दे देता है, क्योंकि वेदांता के पास वहां से डिविडेंड आया, वेदांता ने आपको दे दिया। फॉर एन एग्जाम्पल रिसेंट डिविडेंड पे आते हैं, जो सबसे अभी रिसेंटली वेदांता ने डिविडेंड दिया था आपको, वहां पे डिविडेंड वेदांता ने टोटल डिविडेंड 7600 करोड़ का बांटा था, जिसमें से 7100 यानी 7100 करोड़ का डिविडेंड हिंदुस्तान जिंक के पास से वेदांता पे आया, 500 करोड़ वेदांता ने उसमें ऐड करा और अपने इन्वेस्टर्स को 7600 करोड़ का डिविडेंड बांटा। आपको समझ में आ गया कि कितना बड़ा हिस्सा डिविडेंड का हिंदुस्तान जिंक से आता है। तो उस रिपोर्ट में क्लियरली लिखा कि वेदांता जब अपनी मैच्योरिटीज दे देगा पूरी वेदांता रिसोर्सेज की, तो उनके पास कैश नहीं रहेगा, तो पहले तो ये जो डिविडेंड देते हैं इनका कम होगा और जो हिंदुस्तान जिंक के पास से इनके पास बड़ा डिविडेंड आता है वो भी खतरे में है, क्योंकि वेदांता ने अनाउंस करा था कि वेदांता अपना इंटरनेशनल जिंक बिजनेस हिंदुस्तान जिंक को बेच रहा है, जिसकी वैल्यू जो है 24,000 करोड़ के करीब नापी गई थी। हिंदुस्तान जिंक की बुक में अराउंड 32,000 करोड़ का कैश है। अगर उसके पास से 24,000 करोड़ वेदांता के पास डायरेक्टली चले जाते हैं तो हिंदुस्तान जिंक के पास रह जाएगा 8-10,000 करोड़ का टोटल नेट कैश, तो फिर वो डिविडेंड नहीं देगा और वो डिविडेंड नहीं देगा तो वेदांता के पास आएगा नहीं, और वेदांता के पास आएगा नहीं तो वेदांता बांटेगा नहीं। तो ये भी दो प्रॉब्लम आती हुई दिखी है, जिससे निवेशक काफी परेशान होंगे और जिन्होंने डिविडेंड के लिए लिया है वो छोड़ देंगे।
हालांकि अभी तक इस बिजनेस इस जो डील है इंटरनेशनल जिंक बिजनेस की, कोई आगे डील अभी तक हुई नहीं है कि ये कब कंप्लीट होगा, होगा भी नहीं होगा। एक न्यूज आई थी कि ऐसा करना चाहते हैं बट अभी तक उसके बाद कुछ अपडेट नहीं आई। अब मैंने पूरी सिचुएशन आपको बता दी है, जिनको समझ में आई बहुत अच्छी बात है, जिन्हें समझ में नहीं आई एक बार स्लो मोशन में वीडियो को देखें या फिर आप ये सारी चीजें समझने की कोशिश करें, अदरवाइज आप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म पर्पस से बहुत हेल्प करती है। अब वेदांता ने अनाउंस करा है दो दिन पहले, वेदांता कहता हुआ दिखाया आपको कि यहां वेदांता ने अप्रैल मंथ की जो इनकी फंड्स हैं, जो भी ने लोन वगैरह उसको ये कंफर्टेबली पे करने वाले हैं, कंपनी रिसोर्सेज सेज इट विल मेक ऑल अप्रैल बॉन्ड पेमेंट्स। तो ये पूरी की पूरी बॉन्ड पेमेंट अप्रैल की करने वाले हैं। कंपनी रिसोर्सेज फुल्ली कॉन्फिडेंट ऑफ फ्यूचर बॉन्ड पेमेंट्स टू, तो वो आगे के लिए भी पूरी कॉन्फिडेंट है। अब यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर समझ में आ गई कि वेदांता डेट को लेकर बिल्कुल चिंता में नहीं है, और जो लोग कह रहे थे कि अदानी के बाद वेदांता का नंबर है डेट कंसर्न्स को लेकर, वो बिल्कुल गलत है। मेरे हिसाब से वेदांता एक फुल्ली कंफर्टेबल पोजीशन में है, वेदांता के पास अच्छा खासा कैश है, एंड सबसे बड़ी बात वेदांता फर्स्ट टाइम डेट लेकर अपने पे नहीं कर रहा, डेट को पहले से करता आया और आगे भी करेगा, तो आप टेंशन फ्री रहिए जो निवेशक है वो। शॉर्ट टर्म की बात करें तो 265 का स्टॉप लॉस रखिए एंड होल्ड करना चाहिए, गिरावट में आपको लेने के मौके ढूंढने हैं। इनकेस कोई बड़ी गिरावट होती है तो वहां फ्रेश एंट्री गिराए देंगे, अभी मेरे हिसाब से अवॉइड करें, जिन पे वही बस बने रहे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।